ओम शांति। आज की तारीख है 31/3/17 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक जो हमें बेहद का वर्षा देते हैं वो है हमारे बेहद के बाबा स्वयं परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तो बेहद के बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बेहद के बाप से सदा सुख का वर्षा लेना है, तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। देखो बाप बनकर कितनी प्रेम भरी शिक्षाएं दे रहे हैं कि मीठे बच्चे जो भी खामियां हैं उसे निकाल दो और फिर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और फिर औरों को भी पढ़ाओ। प्रश्न है, बाप समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? अगर हमको सेवा के लिए निमित्त बनना है तो हमारे अंदर मुख्य कौन सा गुण या विशेषता चाहिए? उत्तर है सहनशीलता का। सहन शक्ति बहुत चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होंगी तब बाप समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। प्रश्न है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? उत्तर है, यदि बाप का बनकर बाप की निंदा कराते हैं आज्ञाकारी और वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिससर्विस करते हैं, कालापन नहीं छोड़ते, तो इस महापाप से बुद्धि को ताला लग जाता है। तो क्या हम ताला लगाना चाहेंगे? नहीं। तो हम क्या करें? आज्ञाकारी वफादार बन के चले। गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो बातें। नंबर एक है, कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना है। बाबा कहते मनसा में कितने भी तूफान आए परंतु कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कर्म नहीं करना है, ऐसी कोई चलन भी नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बददुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख पुण्य कर्म करने हैं। नंबर दो है, अंदर जो भी कालापन है, देह अभिमान के कारण जो भूतों की प्रवेशता है उन्हें निकाल देना है, ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। हाँ, ब्रह्मा बाप के प्यार का क्यों सबूत दें? क्योंकि ब्रह्मा बाप के द्वारा कौन प्यार दे रहा है? शिव बाबा स्वयं हम बच्चों को प्यार देते हैं, तो इसीलिए सपूत और समान भव का बाप वरदान देते हैं। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है तो बाबा कहते हैं कि प्यार की निशानी है बाप का प्यार रहा जिससे, उससे आपका भी प्यार हो। बाबा कहते प्यार की निशानी क्या? जिससे बाप का प्यार है वह उनसे हमारा भी प्यार हो। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, नोट करे सभी, जो भी कर्म करो, कर्म करने के पहले, बोल बोलने के पहले, संकल्प करने के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप को प्रिय है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही
कि जो सोचा वो किया। ऐसे नहीं सोचा तो बहुत की बहुत कुछ, 100 जितने विचार आए लेकिन उसमें से किया मुश्किल से 1-2, नहीं। ब्रह्मा बाप ने जो भी सोचा, जब भी सोचा, तुरंत बाप ने उसको किया। जो कहा वो भी किया, जो सोचा वो किया, जो कहा वो भी किया। अपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजिशन में सेट रहे, विरोधियों के विरोध के बावजूद भी बाबा अपनी पोजिशन में सदा सेट रहे। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना, अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। स्लोगन है, खुश नसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। हाँ, जरूर ऐसा ही कहेंगे ना, कि जिसको कभी दुख आता ही नहीं, और आता है तो उसकी लहर नहीं आती, और लहर यदि आती है तो पानी में लकीर की तरह, बिल्कुल जैसे न आने के बराबर। तो बाबा कहते हैं वही आत्मा, खुश नसीब आत्मा कही जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।